जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है दोस्तों, जिंदगी के नए इम्तिहान अभी बाकी है दोस्तों। अभी तो मुट्ठी भर जमीन नापी है हमने, सारा आसमान अभी बाकी है दोस्तों। मेरे जीवन के अनुभव, मैंने जिनसे जो जो सीखा, मैंने उन्हें कई बार अलग अलग आयामों पर पाया, उनकी बातों को यथार्थ के साथ और भी सुदृढ़ पाया। ऐसे ही लोग जिनका असर मेरे जीवन में हुआ, उनकी कहानी अपने लफ्जों में आपके साथ बांटना चाहता हूँ। ऐसे ही प्रेरणा से बनता है चरित्र, और ऐसे ही चरित्र से बनता है व्यक्तित्व। साधारण लोगों की असाधारण कहानी, व्यक्तित्व, व्यक्तित्व। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक तो नहीं सकता, जो जलेगा उसी दीपक में तो उजाला होगा। कहते हैं भारी दबाव से कांच टूट जाता है और हीरा और भी निखर जाता है। ऐसा ही एक हीरा 4 नवंबर 1974 को मीरा नगरी मेड़ता में उभरा। अनिल थानवी। ना झुकने का शौक है ना झुकाने का शौक है, कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। बचपन से ही इनका व्यक्तित्व बेहद जुझारू और आत्मविश्वास से भरपूर रहा। वे निडर हो बड़ी से बड़ी चुनौती स्वीकार कर लेते हैं। एक किस्सा याद आता है जब इन्होंने अल्पायु में ही चेन्नई प्रशासन में बेखौफ हो अपनी आवाज उठाई थी और एक परिवार को उसका हक दिलवाया था। बचपन से जो इन्हें आकर्षित करता, चाहे वो राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हो, फिल्मी हस्ती हो या राजनीतिज्ञ हो, उस तक ये पहुंच ही जाते थे। इनके आसपास लोगों का तांता हमेशा लगा रहता है, मस्ती मजाक होता है। उम्र बढ़ती गई, लोगों से संपर्क बढ़ता रहा, अनुभव होते रहे, संघर्ष जारी रहा। कितना भी पकड़ लो, फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब, बदलता जरूर है। जीवन की सुंदरता इस बात पर निर्भर नहीं कि तुम कितने खुश हो, लेकिन इस बात पर निर्भर करती है कि दूसरे तुमसे कितने खुश हैं। इसी सेवा भाव की प्रवृत्ति से प्रभावित हो, उन्हीं के वार्ड की जनता ने अनिल थानवी को सर्वप्रथम पार्षद चुनाव में भारी मतों से जिताया। नगर पालिका के सदस्य भी वे 2 बार रहे। 35 वर्ष की आयु में सदाचारी व निर्भय हो, नगर निगम के चेयरमैन पद पर 5 साल तक कार्य करते रहे। इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने मोक्षधाम, सीसी रोड, जल निकासी, सिटी सौंदर्यकरण, रोजगार उन्मुख कार्य संपन्न किए व मेड़ता की जनता के विश्वास पर खरे उतरे। वर्ष 2018 में आरएलपी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल के विचारों से प्रभावित हो आरएलपी की सदस्यता प्राप्त की, और अब बेनीवाल जी तथा शहर विधायक के साथ मिल अपने क्षेत्र में सेवा उपयोगी कार्यों में संलग्न रहते हैं। एडवोकेट अनिल थानवी के राजनैतिक जीवन से उच्च है उनका सामाजिक जीवन, जिस पर बहुत बड़ा प्रभाव इनकी माता स्वर्गीय श्रीमती शोभा देवी, इनके नाना ज्योतिषाचार्य श्री बंशीधर जी जोशी, छोटे नाना एडवोकेट श्री रणछोड़ दास जी जोशी व मामा DYSP श्री श्रीधर जी जोशी का रहा। मामा श्री श्रीधर जी जोशी हमेशा कहते थे, छोटी से छोटी सेवा में रहते हुए अपने कर्म व निष्ठा के बल पर बड़े से बड़ा पद हासिल किया जा सकता है। हमसे ज्यादा पूर्वजों की शक्ति हमारे साथ जुड़कर सदैव सत्कर्म की ओर हमें अग्रसित करती है। हमारा काम है नित्य ही धर्म के पथ पर अग्रणी हो कार्य करते रहना। कहते तो है कि इंसानियत का कोई मोल नहीं होता, यानी वो अनमोल है। जहाँ जिंदा इंसान के बारे में किसी को सोचने की फुर्सत नहीं, वहाँ अगर कोई मरे हुए लावारिस लोगों को अपना बना ले तो क्या कहेंगे। ऐसा एक शख्स है नागौर के अनिल थानवी, और इनका काम है शहर में लावारिस लाशों को, इन्हें जिस तरह से सेवा करते हुए देखा गया है उसके बाद लोग इन्हें मसीहा कहते हैं। अनिल जी ने नगर निगम में रहते हुए जब पहली बार एक लावारिस देह का अंतिम संस्कार किया
तो अपने मनोभावों को शब्द देते हुए कहा, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जीवन जीते हैं, भगवान क्या कहेंगे, क्या कभी इसका विचार किया है? जो सभी धर्मों में सबसे बड़ा धर्म है, मानवता, उसी पद पर अग्रसर हो गए और तब से अब तक 110 मृत लावारिस देहों को अंतिम संस्कार करते चले आ रहे हैं। मेहरता के पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल जी थानवी, हमने सुना कि ये जो भी मेहरता में लावारिस जो सब होते हैं उनका अंतिम संस्कार करते हैं, उनको जो है स्वयं जाकर हरिद्वार विसर्जन करते, सारा क्रियाक्रम ये करते हैं। अनिल जी हरिद्वार जा अस्थि विसर्जन कर इस पुण्य कर्म को संपूर्णता प्रदान करते हैं। जब शौक मर्म से जुड़ी इंसानियत का हो तो ऐसे में मजहबों की दीवारें भी टूटकर बिखर जाती हैं। कुछ ऐसी ही इंसानियत अपने दिल के भीतर समेटे हुए हैं नागौर जिले के मेड़ता सिटी के रहने वाले अनिल थानवी। पेशे से वकील अनिल थानवी ने जिंदगी के तमाम पहलुओं को अपने पेशे में देखा, लेकिन एक बात उनके दिल में ऐसी लगी कि वो बन गए लावारिसों के मसीहा, वो भी उन लावारिसों के जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। दरअसल लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार में आने वाली अड़चनों को देख अनिल थानवी ने इनके अंतिम संस्कार का जिम्मा उठा लिया। अनिल नागौर जिले में मिलने वाली किसी भी मजहब से जुड़े शख्स की लावारिस लाश का खुद के खर्च पर अंतिम संस्कार करते हैं। मेड़ता सिटी से नागौर जिले में जितनी भी लावारिस बॉडी मिलती है उसका अंतिम संस्कार करवाना, ये प्रेरणा मेरी स्वर्गीय शोभा देवी थानवी की, मेरी माता जी की वजह से मिली है। हमारे यहाँ पंडित जी मखन चक्कन गद्दी है महेश जी, जो हमेशा मैं जब हरिद्वार आता हूँ तो ये विधि विधान से उनका तर्पण करवाते हैं। आज मैं 14 अस्थियाँ लेके आया था, साथ में मेरे साथ कई लोग भी आए थे जो लॉकडाउन होने के कारण अपने पूर्वजों की जो अस्थियाँ हैं उनका विसर्जन नहीं कर पाए। निश्चित तौर पे ये पिछले काफ़ी सालों से मैं मेरे हाथ से कर रहा हूँ और अब तक मैंने 101 लावारिस बॉडियों का अंतिम संस्कार कर दिया है। हिंदू है तो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से करते हैं, मुसलमान है तो उसकी मुसलमान के रीति रिवाज के हिसाब से करते हैं। तो हमारा ध्येय है कि जो भी आत्मा है उसका मोक्ष होना चाहिए। गुरु पुराण में भी लिखा हुआ है कि ब्राह्मण का दायित्व है, अगर किसी व्यक्ति का कोई परिजन नहीं है तो ब्राह्मण का दायित्व है। तो हमारे जो गुरु जी हैं आदरणीय रामानंद गिरी जी, दस नाम संन्यास आश्रम वाले, और हमारे जो पंडित जी हैं मखन चक्कन, उनके जो महेश जी है वो हमेशा मुझे प्रेरित करते हैं। और हमारा काम है कि आत्माओं की शांति के लिए हम लोग यहाँ हरिद्वार आके उनका तर्पण करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी थानवी पूर्व चेयरमैन। अंतिम संस्कार की ये प्रक्रिया सिर्फ सुपुर्द खाक या पंच तत्व में विलीन होने तक ही नहीं चलती, बल्कि हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित भी करते हैं। ये काम करने का ख्याल अनिल थानवी के मन में कैसे आया, इस पर एक वाकये को याद कर उन्होंने कई बातें साझा की। मुझे खुद को ये अंदर से ये आवाज हुआ कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ। गुरु पुराण में भी साफ लिखा हुआ है कि ब्राह्मण का दायित्व है कि वो ऐसा कार्य करे, तो मैं चाहे वो किसी भी जाति का हो, हिंदू है तो हिंदू रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार जैसा हमारे पुराणों में लिखा हुआ है वैसे उसके अंतिम संस्कार करवाना, साथ ही उसकी अस्थियों को भी हरिद्वार में ले जाकर मेरे स्वयं के पंडे के साथ बैठकर उसका क्रियाकलाप मैं वहाँ हरिद्वार में भी करवाता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि ये कार्य मानवीय दृष्टिकोण से, इंसानियत के दृष्टिकोण से भी मुझे स्वयं को ये लगता है कि कार्य बहुत अच्छा है। इस कार्य को करने में आत्मिक संतुष्टि मिलती है, वो मैंने अपनाया है। और ये सारा जो भी खर्चा होता है मुझे किसी सरकारी या किसी भी संस्था की कैसी भी कोई जरूरत नहीं है, मुझे स्वयं प्रेरणा से मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ उसके लिए मुझे आत्मिक संतुष्टि होती है। उनसे पूछते हैं कि ऐसा करने से आपको क्या मिलता है। वे कहते हैं, मेरा जीवन संपूर्ण हुआ, मेरा आना पूर्ण होता है, मुझे ये मिलता है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं।